बार हम लोगों ने कोशिश की है कि दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम में 18 दिसंबर को फाइट ऑफ नाइट का कार्यक्रम आयोजित हम लोग करेंगे, जिसमें नाइजीरिया, अफगानिस्तान, यूएई, सूडान और अन्य देशों के खिलाड़ी भी इसमें सम्मिलित होंगे और अपने खेल का जौहर दिखाएंगे। हमारी संस्था के अंदर जो हमको सहयोग करते हैं और जो इस संस्था को आगे बढ़ाने में सहयोगी के रूप में हमारे साथ हैं, उसमें सीआरपीएफ के बहुत सारे लोग हैं जो लगातार अपनी नौकरी भी करते हैं और हमें सहयोग भी करते हैं। तो उन सब की तरफ से एक बड़ा सुझाव हमारे बीच में आया था। उन्होंने कहा कि भैया क्यों ना हम लोग जो सीआरपीएफ के पुराने जो फैमिलीज हैं जिनके परिवार से लोग शहीद हो गए हैं उनको भी सम्मानित करें और कुछ ना कुछ उनको सम्मान राशि हमको अपनी तरफ से देनी चाहिए। तो हमने उस सुझाव का भी स्वागत किया है और 18 तारीख को जब कार्यक्रम शुरू होगा तो सबसे पहले हम शहीदों के परिवार का सम्मान करेंगे, उसके बाद फिर कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। ये फाइट ऑफ नाइट का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम पहले ग्वालियर में हुआ। ग्वालियर में जब कार्यक्रम हुआ, गुरु रंधावा जो बॉलीवुड सिंगर हैं उन्होंने भी शिरकत की थी। इसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम ने फिर से आयोजित किया, वो कार्यक्रम ने आयोजित किया इंदौर में। इंदौर में जो अभय प्रशाल स्टेडियम है, मुझे लगता है आप में से कई पत्रकार बंधु हमको अपना सहयोग प्रदान किया था। उसके बाद फिर हमने इस कार्यक्रम को नीमच में आयोजित किया और नीमच में लगभग 25,000 से ज़्यादा पब्लिक इस कार्यक्रम में आई और उस कार्यक्रम में भी द ग्रेट खलियो कई बॉलीवुड हस्तियों ने शिरकत की थी।